हंसना हर मर्ज की दवा है। कुछ पल के लिए खिलखिलाकर हंस लेने से सारी थकान छूमंतर हो जाती है, लेकिन इस टेंशन भरी जिंदगी में खुलकर हंसना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। पर हंसी बनी रहे इसके लिए हम लेकर आए हैं फनी मोमेंट सीरीज का पार्ट 3, जिसे देखकर आप अपनी सारी टेंशन भूल जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करके पास लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिम में एक्सरसाइज कर रही है लड़की इस हैंडसम हंक को देखकर इतना इम्प्रेस हो जाती है कि उसकी नजरें उस माचो मैन से हट ही नहीं रही। लेकिन अगले ही पल इस बंदे की हरकतें देख वो ऐसे निराश हो जाती है मानो आदि पुरुष फिल्म देख ली हो, जिसके बाद वो गंदा सा एक्सप्रेशन देकर अपना मुंह फेर लेती है। उसका माचो मैन तो मैन ही नहीं निकला। ये भैया जी छलांग मारकर इस नाले को पार करके लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन मामला जरा उल्टा पड़ गया। भैया जी ना इधर के रहे ना उधर के। इसी तरह स्टाइल मार रही है दीदी, यहाँ इतनी जोर से गिरी कि सर फुड़वा बैठी। कई लोग भंडारा खाने के इतने शौकीन होते हैं कि ढूंढ ढूंढ कर भंडारे के भोजन का लुफ्त उठाते हैं। ये दादाजी भी इसी मिजाज के इंसान मालूम होते हैं, जिन्होंने भंडारा ढूंढने के इस कठिन काम में गूगल को ही लगा दिया। इनके रायते की फरमाइश तो ऐसी थी कि गूगल भी हंसते हंसते गिर पड़े। हेलो गुलगुल, अरे सॉरी गूगल भाई, आस पास में भंडारा हो तो बताओ जिसमें रायता भी हो। जरा इन दादी अम्मा की जबरदस्त इंग्लिश कम हिंदी तो सुनिए। हमारा दावा है कि अम्मा की ये अंग्रेजी सुनकर आप ठहाका मार कर हंसने को मजबूर हो जाएंगे। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ही वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 1923 एट पोरबंदर। ही बिलोंग टू वेरी नोबल फैमिली। ही वाज वेरी सिंपल मैन। ही एट सिंपल फूड एंड ड्रिंक गॉड्स मिल। ही लव्ड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। ही वाज द फादर ऑफ द नेशन एंड पेट्रियट। ही वाज द लवर ऑफ नॉन वायलेंस। ही यूज्ड टू वेयर खादर। गांधी वाज डेड ऑन 30 जनवरी 1948। हिज समाधि एट राजघाट इन दिल्ली। ही इज नो मोर विद यू। ही इज डेड बट हिज नेम कैन नेवर डाई। माय नेम इज भगवानी देवी। वैसे आप इन अम्मा जी को उनकी अंग्रेजी और इम्प्रेशन के लिए 10 में से कितने मार्क्स देंगे, कमेंट करके बताइए ना। यहाँ कुछ लोग कवाली का आनंद ले रहे हैं। इतने में न जाने इस चचा को क्या सूझा, जो मैदान में कूदकर गुलाटी मारने का हुनर दिखाने लगे, और गुलाटी मारते मारते उन्हें इल्म ही नहीं रहा कि वो कब कवाली कर रहे जनाब के सिर पर अपनी तशरीफ धर बैठे। थाईलैंड के एक जू में दो दोस्त टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहे हैं, लेकिन आज टाइगर फोटो खिंचवाने के मूड में तो कतई नहीं था। ऐसे में ट्रेनर डंडे से उसका मुंह कैमरे के सामने कराने की कोशिश करता है, जिसे देखकर टाइगर गुस्से में दहाड़ मारता है। टाइगर की दहाड़ सुनकर पोज दे रहे ये दोनों बंदे इतने डर जाते हैं कि दूर जा गिरते हैं। वो गिरते पड़ते वहां से फारिग हो जाते हैं, और ये भाई तो बाहर आकर पहले भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि जान बची तो लाख हो पाए, और फिर फोटोग्राफर से मुंह फुलाकर नाराजगी जाहिर करता है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 5000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। यहाँ ये लड़की भेड़ को खाना खिलाते हुए उसकी नकल उतारने लगती है। इससे नाराज इस नखरेबाज भेड़ ने लड़की के सुंदर मुखड़े पर ही थूक डाला। बदतरी की, सारा मूड ही खराब कर दिया। यहाँ ये बंदा घर पर ही एक्सरसाइज करने का ये नायाब तरीका सुझा रहा है, लेकिन इस सो कॉल्ड एक्सपर्ट को क्या मालूम था कि ये नायाब तरीका उसका ही मुंह बंद कर देगा। रबड़ मुंह पर और बंदा चित। इधर ये लड़की भी मोबाइल कैमरा ऑन करके इस पाइप से लटककर एक्सरसाइज करने की रील बना रही थी, लेकिन ये पाइप मैडम के तेवर सह नहीं पाया और ये दीदी गिरी धड़ाम से। ये धमाका इतना जोर का था कि पल भर में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया।
वैसे यहाँ तो पाइप ही उखड़ा था, लेकिन ट्रेडमिल पर वॉक करते इस बंदे की तो पूरी की पूरी इज्जत ही उखड़ गई। भाई एक्सरसाइज करो मगर जरा पैंट संभाल कर। एग्जाम में फेल होने पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ लोग तो उस स्टूडेंट की प्रतिभा से वाकिफ होते हुए भी बार बार रिजल्ट पूछकर शर्मसार करने से नहीं कतराते। इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए इस बंदे ने कमाल का तरीका खोजा है। अब कोई रिजल्ट के लिए परेशान नहीं करेगा, अब ये मजे से सिर्फ छोले भटूरे पर फोकस कर रहा है। आप भी देखिए। मैं फेल हो गया हूँ, बार बार रिजल्ट पूछ कर जले पर नमक ना छिड़के। आपने अब तक हाथी घोड़ों की सवारी ही देखी होगी, लेकिन क्या कभी सांड की सवारी देखी है? नहीं तो इस बाहुबली को देख लीजिए। अब भी जी न भरा हो तो ये क्रोकोडाइल की सवारी भी देखते जाइए। कहां से आते हैं ये लोग? सवारी की बात चल रही है तो दो साइकिल पर सवार इस नकली अजय देवगन को भी देखते जाइए, जो फूल और कांटे फिल्म की तर्ज पर ये करतब दिखा रहा है। वैसे ये भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स हैवी ड्राइवर लग रहा है, लेकिन गिर गए तो याद रखना इस उम्र में नए दांत नहीं आते। कुछ खुराफाती लोग तो मशीनों से भी पंगा लेने से नहीं डरते, लेकिन कई बार ये छेड़छाड़ उन्हें इतनी भारी पड़ जाती है कि अंदाजा ही नहीं रहता, जैसा कि इस महाशय को नहीं रहा। कैमरे में मुस्कुराते इस बंदे के साथ तो कॉमेडी ही हो गई, जो लाइटर से पटाखा जलाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो लाइटर समझकर पटाखा लेकर वहां से भाग रहा है। इसके बाद जो हुआ उसे इस आवाज से समझा जा सकता है। अब जरा ये चप्पल मार गेम भी देखते जाइए, मूड हल्का हो जाए। मौका मिले तो अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलकर अपने बचपन की याद को फिर से ताजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, खेलें मगर अपनी रिस्क पर। दोस्तों ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है। इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। लीजिए आपके लिए पेश है अब तक का सबसे फनी रैप वॉक, देखते जाइए और ठहाके मारते जाइए। नो 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 नो। यहाँ इन दो शराबियों ने थाने में खुद को इसलिए पेश किया है ताकि पुलिस वाले उन्हें थोड़ा सुधार सके। उन्होंने जो कहा वो जानकर आप पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। दोनों भाई दारू हमारा छूट जाए और दारू छूटी है साहब, पर हम ये चाहते हैं आज हम ऐसा एकदम बिल्कुल फ्लब में आए हैं कि हमारे भैया आप लोग हमारा साथ दें, और वाले भैया दो दो झापड़ खींच खींच के मारे, दो दो झापड़ चार चार झापड़ खींच खींच के मारे शुरू के। दोनों भाई जब मुंह छूट जाए इतना मोटा मोटा हो जाए, और अगले दिन जाए तो अपनी बीवी को दिखाए तो बोले कि हाँ बीवी कहाँ कहाँ से आए हो, हम कहते भैया मुंह छूट जाता है थाने में से, थाने में मुंह छूट जाता है अपना मोटा मोटा मुंह छूट जाता है, अब क्या कहेंगे भैया? यही तो कहेंगे भैया पी रहे हैं और खा रहे हैं। तो तुम अभी अपने आप पुलिस के पास आए? हाँ, तो अब इसके बाद फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस ये करेगी कि चार चार झापड़ खींच के मारो, चार झापड़ खींच के मारो, चार झापड़ मेरे जाल में खींच के मारो, देख इसमें चार झापड़ इसमें, चार झापड़ इसमें, चार झापड़ इसका, चार झापड़। बारिश के दिनों में सड़क पर दौड़ती गाड़ियों से न चाहते हुए भी कीचड़ उछल ही जाता है, किस किस को समझाया जाए। लेकिन इस लड़की ने खुद को कीचड़ से बचने का जो तरीका निकाला है वो झक्कास है। इसने बिना बोले ही कुछ ऐसा किया कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ ये बंदा आने जाने वालों को आगाह कर रहा है कि यहाँ पर गड्ढा है, जरा संभल कर जाएं। लेकिन आज कहना कौन किसका मानता है, नतीजा आप खुद ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जब ये एक ठेले वाला हेलमेट पहनकर सब्जी बेचते दिखा तो लोग दंग रह गए। उन्होंने जब उससे पूछा कि हेलमेट पहनकर सब्जी क्यों बेच रहे हो, तो उसका जवाब सुनकर आप भी पेट पकड़कर हंसने लगेंगे।
हाँ आप बताओ क्या दिक्कत है, जोर से बोलो। हमने सोचा कि हेलमेट लगा लें, हाँ। भैया रोक देंगे आगे। क्यों? हेलमेट रोक रहे हैं, सबको नहीं जान रहे। टू व्हीलर को ना रोक रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि टू व्हीलर में रोकना, तुम्हारा तो फोर व्हीलर है भाई। अरे इसको मत लगाओ मेरे भाई, ठेले में नहीं लगाना है, ये फोर व्हीलर है, इसमें फोर व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं चलता, सीट बेल्ट चलता है तो ये फोर व्हीलर तो वो वाला भी नहीं है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये है कि आप किनारे किनारे से जाएं, ठीक है? वैसे जो होना होता है वो होकर ही रहता है, जैसा कि पापा की इस परी के साथ हुआ। दीदी ने हेलमेट भी पहन रखा था मगर गलती से ब्रेक की जगह रेस दब गई, फिर तो जो हुआ कतई अच्छा नहीं हुआ। ये वीडियो हमारे उन शादीशुदा भाइयों के लिए है जो अपनी बीवियों से झूठ बोलने में बाज नहीं आते। एक बार ये वीडियो देख लीजिए ताकि सावधान रहें और सतर्क रहें। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फोन देख रहा हूँ। बिल्स भर दिए क्या? हाँ वो पेटीएम में ऑफर देख रहा हूँ। अच्छा ऑफर्स देख रहे हो, पीछे देखो एक बार। यार एक मिनट पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। It was at this moment that he knew. He fucked up. तो लड़कियां डरते रहते हो? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।